हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाएंगे सूखे चनों की मिठाई। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया और उसमें चनों को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया 5 मिनट तक, ताकि उसके अच्छे से छिलके निकल जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने चनों को 5 मिनट तक हल्की आंच में भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल कर उसके छिलके निकाल लिए हैं। और अब हम इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे, एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये देखिए, मैंने उसे पीस कर एक प्लेट में रख लिया है। और अब हम इस मिठाई को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मैंने ये देखो 10 रुपए वाला पैकेट लिया है। आप इसमें डेसिनेट कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने लिया एक पैन, उसमें रख दिया दूध, और उसमें एक उबाल आने के बाद उसमें इलायची और चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। और अच्छे से पका दिया। और अब हम इसमें जो हमने चने का पेस्ट बनाया था उसे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि उसमें गुठलियाँ ना रहे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर दिए और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया। और ये देखिए, पैन छोड़ने लग गया है, इसका मतलब हमारी मिठाई बन गई है, तैयार हो गई है। तो अब मैंने एक प्लेट लिया, आप थाली भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, और उसमें थोड़ा घी लगा लेंगे, ताकि जब हम मिठाई को और ये देखिए, पैन छोड़ने लग गया है, इसका मतलब हमारी मिठाई बन गई है, तैयार हो गई है। तो अब मैंने एक प्लेट लिया, आप थाली भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, और उसमें थोड़ा घी लगा लेंगे, ताकि जब हम मिठाई को निकालें तो वो थाली पे चिपके नहीं। और अब हम मिठाई को सेट करने के लिए फ्रिज में रख लेंगे 1/2 घंटे तक। और ये देखिए मिठाई बन, और ये देखिए हमारी मिठाई बनकर तैयार है। मैंने इसमें कट लगा लिए हैं, और ये देख सकते हैं आप, दिखने में ही कितनी स्वादिष्ट लग रही है। मैंने इसमें ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो हमें बाहर से लानी हो।